लोकसभा चुनाव 2019 का अंत बड़ा ही रोचक रहा। कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी लहर पर सवार होकर भारी भरकम बहुमत हासिल किया है। भगवा के साथ चौकीदार मुहिम की बदौलत 2014 के जनाधार को कायम रखा। सीधी संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह राहुल को 2,86,524 मतों से पराजित किया। रीति पाठक ने दोबारा जमाया सीधी पर अपना कब्जा। सीधी संसदीय सीट की में निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह ने रीति पाठक को दिया लोकसभा सदस्यता का प्रमाण पत्र। 2014 के लोकसभा चुनाव में 1,08,000 मतों से की थी जीत हासिल। वही लोकसभा परिणाम को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक ने कहा कि वे अपने परिणामों से संतुष्ट हैं। उन्होंने अपना काम बखूबी ईमानदारी से किया और जनता, कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं ने 100% साथ भी दिया, वही उनके लिए पर्याप्त परिणाम है, उससे ज्यादा वे संतुष्ट है। सारी जीत हमारे कार्यकर्ताओं की है, जनता जनार्दन की है और भारतीय जनता पार्टी की है। और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में मैं जरूर चाहूंगी कि जो चीज़ें हमारे सीधी संसदीय क्षेत्र के विकास को गति लाने में नहीं हो पाएंगी, उनको मैं पूर्ण करने में अपना पूर्ण सहयोग दूँ। और आगे आने वाले समय में स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पर्यटन है, इस विषय से जुड़े हुए चीज़ों को लेकर आगे। शुरुआती दौर से जैसे भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी टिकट वितरण को लेकर, तो वो जब जीत की जो अंतराल आया है, इतना बड़ा अंतराल, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं इसको लेकर यही कहना चाहती हूँ कि जनता ने हर चीज का जवाब दिया और जनता जनार्दन ये जानते हैं कि देश हित में काम करने वाली पार्टी आम जनों के लिए चिंता करने वाली ऐसा एक अपना एक निर्णय देते हैं, तो निश्चित रूप से उसको सीधे सीधे जनता ने स्वीकारा और मैं उस निर्णय का एक अंश हूँ। इसलिए जनता जनार्दन ने इस निर्णय को स्वीकार करके अपना जनादेश दिया और अपना निर्णय वो किया। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का निर्णय, हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वीकारा है, जनता जनार्दन ने, और जनता का एक एक वोट का कर्ज मेरे ऊपर है। मैं ये जरूर चाहूँगी कि सार्वजनिक रूप में जितना भी कार्य मैं कर सकूँ सीधी संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए मैं जरूर करूंगी, चाहे वो पुराने अधूरे काम को पूरा करने का कार्य हो, चाहे आगे आने वाले समय में स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के विषय से जुड़े हुए बेहतरीन कार्यों को बनाने का कार्य। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेन्द्र दुबे की रिपोर्ट।